नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रुपेश और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब पर। आज की जो क्लास रहेगी छत्तीसगढ़ का जीके की क्लास रहेगा नदी अफवाह तंत्र। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे महानदी अफवाह तंत्र। जो नदी अफवाह तंत्र है वो पांच भागों में बांटा गया है। इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि प्रयोगशाला परिचारक की तैयारी करें या सहायक शिक्षक प्रयोगशाला परिचालक की या फिर हॉस्टल वार्डन या फिर शिक्षक भर्ती की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, वहाँ से आपके छत्तीसगढ़ से आपका 20 से 15 नंबर के प्रश्न हर एक एग्ज़ाम में बार बार पूछा गया है और इस टॉपिक से यहाँ से बार बार एक से दो प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ के हर एक टॉपिक कवर करेंगे, चाहे CG व्यापम हो चाहे PSC हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहली बार आए तो चैनल को लाइक करके जाना, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। अगर कहीं आपको डाउट है तो कमेंट करके बता सकते हैं। तो ध्यान से समझते जाइएगा, छत्तीसगढ़ में पांच अफवाह तंत्र हैं जो इस प्रकार है। महानदी अफवाह तंत्र पहला टॉपिक है, इसको आज हम कवर करेंगे। उसके बाद गोदावरी नदी अफवाह तंत्र, सोन नदी गंगा अफवाह तंत्र जो कि उत्तर दिशा में है, ठीक, ब्राह्मण नदी अफवाह तंत्र और आपका नर्मदा नदी अफवाह तंत्र है जो सबसे छोटा अफवाह तंत्र है। एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि सबसे बड़ा अफवाह तंत्र कौन सा है या सबसे छोटा अफवाह तंत्र कौन सा है। तो देखेंगे महानदी अफवाह तंत्र जो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है, जो 558.48%। गोदावरी नदी अफवाह तंत्र जो दक्षिण की ओर है वो 28%। दूसरा नंबर पर, पहला नंबर महानदी, ठीक। तीसरा है सोन नदी गंगा नदी अफवाह तंत्र उत्तर की ओर 13%, ब्राह्मणी नदी अफवाह तंत्र 1% और नर्मदा नदी अफवाह तंत्र 0.55%। यानी कि सबसे छोटा कह सकते हैं नर्मदा नदी और सबसे बड़ा आपका महानदी। एग्जाम में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे एक बार ध्यान से समझते जाएंगे। महानदी अफवाह तंत्र, सबसे पहले उद्गम देखिएगा क्या एग्जाम में पूछा जाता है। जो भी नदी अफवाह तंत्र हो उसका उद्गम पूछा जाएगा या फिर सहायक नदियाँ पूछा जाएगा, बस इस टॉपिक से एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखेंगे महानदी अफवाह तंत्र का उद्गम है सिहावा पर्वत धमतरी, पूर्व नाम सुक्तिमती पर्वत था। एग्जाम में पूछ लिया जाए कि महानदी अफवाह तंत्र का पूर्व नाम क्या था तो सुक्तिमती और सिहावा पर्वत धमतरी इसका उद्गम है। मोहना के बारे में बात करें तो कटक उड़ीसा, कुल लंबाई है 858 किलोमीटर। महानदी छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक जल क्षेत्र है। तट स्थित जो शहर है राजिम, सिरपुर, शिवरी नारायण, चंद्रपुर। और आप सभी को मालूम है छत्तीसगढ़ में 33 जिला है जिसमें संभाग है 5। और सबसे अधिक संभाग वाले जिले कितने हैं तो बिलासपुर में आपका 8 जिला है बिलासपुर संभाग में, जबकि आपका रायपुर में 5 जिले आते हैं। तो टोटल अगर मैं बात करूं छत्तीसगढ़ में सभी संभागों के बारे में तो इस प्रकार बटा हुआ है। मान लीजिएगा ये आपका संभाग है, ठीक है, जिसमें आपका सरगुजा है सबसे ऊपर में, नीचे में आपका आ जाएगा बस्तर, ठीक है, नीचे में आपका बस्तर। चलिए ये आपका सरगुजा हो गया, ठीक, 5 भागों में बांट देते हैं। ये यहाँ पर, ये इस प्रकार, ठीक, ये वाला और ये वाला। एक मिनट ना, फिर से यहाँ पर देखेंगे जो इस प्रकार कॉलम बना है, या आपका सरगुजा मान लीजिएगा, इस प्रकार 5 कॉलम बना लेते हैं, ये हो गया, ठीक। तो देखेंगे ये आपका सरगुजा हो गया, ठीक, बिलासपुर इधर है, ठीक, ध्यान से समझिएगा, ये आपका सरगुजा संभाग, बिलासपुर, दुर्ग और ये आपका रायपुर और नीचे आपका बस्तर। इन सभी में ये आपका 8, सरगुजा का 7 और ये आपका दुर्ग का, ये रायपुर का 5, बस्तर का ये आपका 7 और ये मिलाकर कितना जाएगा, बस्तर का 6, ठीक। तो सभी मिलाकर आपका 33 जिला, ठीक है। देखेंगे कुल लंबाई 858। महानदी का मैदान है मध्य छत्तीसगढ़ में विस्तृत है। महानदी और इंद्रावती के मध्य जल विभाजक पर्वत को केशकाल घाटी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में तेल नदी प्रवाहित होती है देवभोग, गरियाबंद, कवर्धा। आप सभी को मालूम है छत्तीसगढ़ की कुल लंबाई अगर पूछा जाए तो याद रखना 286। महानदी पर उड़ीसा में हीराकुंड बांध बना है, ये आपके PSC के एग्ज़ाम में पूछा गया था, ठीक।
कई बार इसकी लंबाई पूछा जा चुका है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे छत्तीसगढ़ का जो चित्र है, ठीक है। यहाँ पर आप देख पाएंगे महानदी के त्रिवेणी संगम, राजिम में देखेंगे महानदी सोंडू और पैरीर, आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तीनों टॉपिक्स एग्जाम में हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो राजिम आपका महानदी सोंडू और पैरी, शिवरी नारायण में महानदी शिवनाथ नदी, ज्योंक नदी जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, महाचंद्रपुर में महानदी मान नदी और लात नदी। तो कैसे याद करेंगे, राजिम में महानदी सोंडूर और पैरी, शिवरी नारायण में महानदी और शिवनाथ नदी रहता ही है लेकिन ज्योंक, ठीक, याद रखना। कैसे याद रखोगे ज्योंक, शिवरी नारायण कैसे याद रखोगे, शिवरी नारायण के जंगम संगम स्थान है, महानदी तो रहता ही है सभी में, याद रख लीजिएगा महानदी तो, एक मिनट ना, शिवरी नारायण का देखिए महानदी तो रहेगा, शिवरी नारायण शिवरी यानी कि शिवनाथ, ज्योंक को बस जोड़ना है, ठीक है। महानदी शिवनाथ नदी और ज्योंक नदी जो कि शिवरी नारायण पर संगम में त्रिवेणी है। उसी प्रकार चंद्रपुर की बात करें तो महानदी तो रहता ही है, महानदी भी आ जाएगा, लात नदी कैसे याद रखोगे, चंद्रपुर, चंद्रपुर यानी कि महानदी मान नदी लात नदी, जबकि शिवरी नारायण का महानदी शिवनाथ नदी ज्योंक नदी, राजिम महानदी सोंडूर और पैरी, ठीक। अब चलिए हम देखेंगे इसके गंगरेल बांध का जो अभी चल रहा है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत जल बांध है ना, तो गंगरेल बांध आपका 10 मेगावाट जबकि सीकासार बांध 7 मेगावाट। और सबसे महत्वपूर्ण नदी है सहायक नदी जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से पूछा गया था, ठीक है। सहायक नदी अभी हाल ही में एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया था, ये अभी मंडी निरीक्षक के एग्जाम में, मंडी बोर्ड जो विपणन संघ हुआ था ना उसमें एग्जाम में पूछा गया था कि महानदी की सहायक नदी इनमें से कौन सा नहीं है। तो आपको याद रखना है उत्तर की ओर जो नदी है महानदी की सहायक नदी, जिसमें शिवनाथ नदी, हसदेव नदी, बोराई नदी, मांड नदी, केलो नदी और ईब नदी, याद कैसे करना है, शिवनाथ नदी, हसदेव नदी, बोराई नदी, मांड नदी, केलो नदी, ईब नदी, ठीक। उसी प्रकार दक्षिण की ओर सहायक नदी है आपका दूध नदी, सिलहारी नदी, सोंढूर, पैरी, कोडार, लात, यहाँ पर सूखा है ना, सूखा यानी कि कोडार, लात नदी, ये सभी आपके दक्षिण की ओर सहायक नदियाँ हैं। और ये बात करूँ मैं जो दूध नदी है वो आपके पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, ये आपको मान लीजिएगा पश्चिम दिशा है या आपको पूर्व दिशा है ना, तो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर बहती, इसलिए उसको यहाँ पर हेडिंग में डाल दिया गया है, मैं आपको दे दिया हूँ कि दूध नदी जो है खास तौर पर पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, इसीलिए मैं आप सभी को कहूँगा यहाँ पर दूध नदी भी आता दक्षिण की ओर सहायक नदी, ठीक है महानदी का, लेकिन खास तौर पर देखिए जो दूध नदी होता है वो पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर बहती चली जा रही है, इसीलिए मैं यहाँ पर हेडलाइन डाल दिया हूँ, है ना। तो वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा, आप कमेंट करके बताएंगे ऐसे वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को तो ज़रूर लाइक करना, ठीक। अगर डेली क्लास करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, अगर मेंबरशिप में क्लास लेना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पर क्लिक अवश्य कीजिएगा। देखेंगे यहाँ पर दूध नदी पश्चिम से पूर्व, सीता नदी पूर्व से पश्चिम, कैसे याद रखो, इधर दूध इधर सीता, दूध नदी पश्चिम से पूर्व की ओर जबकि सीता पूर्व से पश्चिम की ओर, कैसे याद रखोगे पता है ना, ये त्रिक, इधर दूध नदी मान लीजिएगा, इधर सीता नदी, दूध नदी किधर से ऐसे जा रही है पश्चिम से पूर्व, और जो सीता नदी है पूर्व से पश्चिम, कैसे घूम रहा है, सर्कल वाइज घूम रहा है ना, सर्कल वाइज, ये सब महानदी की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। चलिए आपको मैं नक्शा दिखा रहा हूँ ना, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, ये देखिए जो नक्शा है, एक मिनट ना, ये लो, थोड़ा मैं जूम कर दूं क्या, यहाँ पर देखिएगा, ये देख रहे हैं आप, ये सभी पूरे नदियाँ हैं, लेकिन यहाँ महानदी अपवातंत्र जो प्रणाली है आपका, ये आप देख रहे हैं खोटा खाडवान, मिनी माता, खुड़िया, और देखिए ये वाला टॉपिक पूछा गया था, खुड़िया बांध को ही राजीव गांधी बांध कहा जाता है, राजीव बांध, ठीक है, खुड़िया बांध को राजीव बांध एग्जाम में पूछा जाता है इस नाम को, ठीक है। खरखरा है, गोंदली है, ये सभी दुधावा, सोंडूर, पैरी, ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक। महानदी की सहायक नदियाँ देखेंगे, ठीक, तो देखेंगे महानदी की जो सहायक नदियाँ हैं,
शिवनाथ नदी का उद्गम पाना बरस पहाड़ी अंबागढ़ चौकी राजनांदगांव। ठीक, कुल लंबाई 290। प्रवाह आपका राजनांदगांव बालोद दुर्ग बेमित्रा बलौदा बाजार मुंगेली और बिलासपुर में है। तटीय नगर दुर्ग राजनांदगांव धमधा नांदगांव मतकुदीप। ठीक, एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। संगम देखिएगा, शिवनी रैन में महानदी का संगम है। परियोजना एग्जाम में बार बार पूछा जाता है परियोजना। कौन कौन से टॉपिक्स एग्जाम में पूछे जाएंगे नदी अपवाह तंत्र में, सुनिएगा। नदी अपवाह तंत्र जब भी आप पढ़ोगे पहले क्या टॉपिक पढ़ना है आपको, संगम एक तो पढ़ना, दूसरी बात है परियोजना, तीसरी बात है आपका उद्गम और चौथी बात है आपका सहायक नदियाँ। इन टॉपिक को अच्छे से कवर करना। ठीक, एग्जाम में डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन उठाता है। तो सबसे पहले संगम देखेंगे, शिवरी नारायण में महानदी का है। परियोजना है मोंगरा बैराज परियोजना राजनांदगांव जिले में। याद रखना कि शिवनाथ नदी की महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी शिवनाथ नदी है और शिवनाथ नदी में एक बैराज है मोंगरा बैराज। याद रखना, शिवनाथ नदी में जो परियोजना है मोंगरा बैराज परियोजना राजनांदगांव जिला। ठीक है, सीमा है बलौदा बाजार बेमित्रा और बलौदा बाजार जांजगीर बलौदा बाजार मुंगेली, जो सीमा मैं बता रहा हूँ आपको। तो सीमा को छोड़कर आप परियोजना को अच्छे से कवर कीजिएगा। शिवनाथ है ना, जो शिव एक मिनट ना जो यहाँ पर देखेंगे, जो यहाँ पर महानदी की सहायक नदी में सबसे बड़ी सहायक नदी शिवनाथ नदी है। उद्गम याद रखना पाना बरस की पहाड़ी अंबागढ़ चौकी राजनांदगांव। ठीक, मैं बात करूँ यहाँ पर संगम का, तो शिवरी नारायण में महानदी है और जो नगर है जो प्रवाह क्षेत्र है इसका वो आपका है राजनांदगांव दुर्ग धमधा। ठीक, नांदगांव मतकुदीप। अब मैं सीमा के बारे में बात करूं तो सीमा आपको बता दिया हूं और विशेष याद रखना महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, शिवनाथ नदी। ठीक, और छत्तीसगढ़ में बहने वाली और सबसे लंबी नदी है और महानदी के बाद दूसरा में महत्वपूर्ण नदी है। अब यहां से एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट उठा देगा कि महानदी की सबसे लंबी और सहायक नदी आपका शिवनाथ नदी और छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी शिवनाथ नदी। अगर छत्तीसगढ़ के बारे में बात करें तो सबसे लंबी और बहने वाली नदी, बहने वाली पूछा जाए तो शिवनाथ नदी है 290 किलोमीटर, जबकि महानदी की 858 किलोमीटर है, जबकि छत्तीसगढ़ में 286 किलोमीटर। छत्तीसगढ़ में 286 पूरा आपका 858 टोटल कुल, महानदी के बाद दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण नदी। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखेंगे हसदेव नदी, तो हसदेव नदी का उद्गम है आपको सोनहत पहाड़ी कोरिया, लंबाई आपका 176 किलोमीटर। सहायक नदी आपको बताया था, बार बार याद रखना, गज अहिरान चोरनई और तान। संगम याद रखना चांपा के केरा शिलादेही में। ठीक, जलप्रपात अमृत धारा बांध मिनी माता हसदेव बांध, जो बार बार एग्जाम में पूछा गया लगातार क्रम वाइज 3 से 4 साल तक बार बार वही क्वेश्चन पूछ रहा है ना। मैंने आपको क्या आप बताया था, जब भी आप पढ़ोगे नदी अपवाह तंत्र सबसे पहले आपका उद्गम याद रखना है, सहायक नदी, जलप्रपात, परियोजना, बांध, इतना टॉपिक तो एग्जाम में एक नया क्वेश्चन उठा के पूछता है। तो मैंने आपको बताया था कि 5 नदी अपवाह तंत्र है, पहले हम देख रहे थे महानदी अपवाह तंत्र, उसके बाद महानदी अपवाह तंत्र से उसके बाद कौन सा नदी अपवाह तंत्र है पूरा आपको बताया ना डिटेल वाइज। 5 नदी अपवाह तंत्र, सबसे छोटा नर्मदा नदी अपवाह तंत्र है ना, तो पूरा सीरीज बाय सीरीज हम आपको कराएंगे। किनारे बसा नगर है कोरबा, हसदेव जो नदी है इसके प्रदेश के सबसे प्रदूषित नदी कहा जाता है। हसदेव को प्रदेश का छत्तीसगढ़ का सबसे प्रदूषित नदी यानी कि संखनी डंकनी नदी वाला, आप सुने हो ना पाठ। तो जो हसदेव नदी है आपका सबसे प्रदूषित नदी है प्रदेश का। ठीक, याद रखना 176 किलोमीटर और सबसे प्रदूषित। बोराई नदी आप सभी को जानते हैं कोरबा से निकलती, बोर देते हैं कोरबा को, क्या करते थे बोर देते हैं, ऐसा याद रखना। उद्गम एग्जाम में भी पूछा गया था। ठीक है, इब नदी, जो इब नदी है नर्मदा। ठीक, उद्गम एग्जाम में बार बार पूछता है। तो बोराई नदी का उद्गम है कोरबा, मांड नदी का उद्गम है मैनपाट। कैसे याद रखोगे, देखिए बोराई का उद्गम कोरबा, बोराई कोरबा मांड मैनपाट। ठीक, ट्रिक ऐसा बनाओ जी कि जैसा याद हो जाए, बोराई का कोरबा मांड मैनपाट। ठीक,
चलिए मांड का देखते हैं, लंबाई 155 किलोमीटर। मांड नदी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मांड नदी आपका कोयला के लिए प्रसिद्ध है। मैं जो जो टॉपिक है उसको अच्छे से अंडरलाइन करके आपको समझा रहा हूँ जी, ठीक। तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, जितना हो सके वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। डेली हम क्लास लेकर आएंगे, पूरा प्रैक्टिस सेट भी लेकर आएंगे। पहले आप लोग थ्योरी पढ़ेगा। देखिए सिलेक्शन लेने का रूल होता है जी, थ्योरी, ऑब्जेक्टिव टेस्ट, मॉक टेस्ट, ठीक है, तीन प्रकार का, ठीक। तो जो भी एग्ज़ाम अब हॉस्टल वार्डन में मान लीजिएगा तैयारी करेंगे तो उसमें 50 नंबर के कंप्यूटर का बनता है, वो भी आप लेकर आएंगे, ठीक, पूरा सीरीज बाय सीरीज। चलिए अब देखेंगे केलो नदी। तो केलो जो नदी है उद्गम आपका लुड़ेंग की पहाड़ी यानी कि टमाटर की राजधानी, सहायक नदी राजार, उड़ीसा में महादेवपाली में महानदी मिल जाती है। उड़ीसा में महादेवपाली में महानदी मिल जाती है। अब देखेंगे इब नदी, आप सभी को मालूम है, अभी आपको बताया था इब नदी में सोने के कण पाए जाते हैं, एग्जाम में पूछता है जी। देखेंगे उद्गम जसपुर पंडरा पाट प्रदेश, लंबाई 202, इब कैसे याद रखोगे 202, सहायक नदी मैनाडो की, कैसे याद रखोगे, इब नदी की सहायक नदी है मैनाडो की, जबकि उद्गम है जसपुर पंडरा पाट, कैसे याद रखोगे, जसपुर पंडरा पाट इसका उब नदी है, ये आपका उद्गम है, जबकि सहायक नदी ईप का मैनाडो की हीराकुंड से 10 किलोमीटर पहले महानदी में मिल जाती है। हीराकुंड नदी कहाँ है, उड़ीसा में, ठीक, 10 किलोमीटर पहले मिल जाएगी, सोने के कण पाए जाते हैं, पूरा जो जो एग्ज़ाम आता है वो बता रहा हूँ। सीता नदी है सबसे प्राचीन नदी है, ठीक, आपको मालूम है सीता नदी सबसे प्राचीन नदी है, धमतरी उद्गम है ना, देवकोट के पास महानदी मिल जाती है, महानदी की पहली और सहायक नदी है जी, महानदी की पहली, ठीक, सहायक नदी है। दूध नदी देखेंगे मलाज कुंड, अब आपको बताया था ना, इधर दूध इधर सीता, पश्चिम से पूर्व और पूर्व से पश्चिम, तो यहाँ पर देखेंगे पश्चिम से पूर्व की ओर मलाज कुंडम की पहाड़ी कांकेर में दूध का उद्गम, सिलियारी आ जाएगा उद्गम, धमतरी माडम सिलीबान, तेल नदी का है, तेल का उद्गम देवभोग है ना, सूखे मौसम भी पानी रहता है। सोंडूर आप सभी को मालूम है, नरियर पानी वाला, नरियर पार, नरियर पार, सोंडूर गरिया बांध, सोंडूर बांध। पैरी, पैरी को देखेंगे थोड़ा सा एक बार, पैरी का उद्गम भातीगढ़ की पहाड़ी गरियाबंद 90 किलोमीटर, पैरी सीका सर बांध इसी नदी पर है और धमतरी गरियाबंद सीमा को बनाती है, छत्तीसगढ़ के सबसे प्राचीन बंदरगाह यानी सातवाहन कालीन पांडुका सिरकिट्टी के पास, ठीक। कुड़ार नदी सभी को मालूम है, परियोजना वाले एग्जाम में बार बार पूछा गया, कुड़ार वीर नारायण सिंह परियोजना महासमुंद में है कुड़ार बांध। जोंक नदी किसकी सहायक नदी है? तो जोंक नदी आप याद रखना शिवनी रायण, आप सभी को मालूम है ना, आपको बताया था शिवनी रायण का संगम स्थल कौन सा है, तो शिवनी रायण का संगम है आपका महानदी, शिवनाथ नदी, जोंक नदी, ठीक, ये आपका जाएगा, यही है आपको जोंक नदी। उड़ीसा पतोरा बांध, जो उड़ीसा जानते हो ना, उड़ीसा गए होगे, ठीक है, उड़ीसा गए कि नहीं, जोंक उड़ीसा के पतोरा बांध वही जोंक नदी है शिवनी रायण के पास, ठीक। लात नदी देखिएगा उद्गम है रदन की पहाड़ी, लात रदन चंद्रपुर में महानदी से मिल जाती है, अफवाह है, महासमुंद जांजगीर चांपा, ठीक, और जांजगीर चांपा में शिवनी नारायण का मंदिर है, सभी को मालूम होगा मेला लगता है फरवरी महीने में। सरंगी नदी, सुरंगी, सुरंगी, ठीक है, ओंग की सहायक नदी है, ठीक। यहाँ पर देखेंगे कौन कौन सा क्या क्या है, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट देखेंगे नदी उद्गम लंबाई सहायक नदी जलप्रपात। शिवनाथ नदी का उद्गम अंबागढ़ चौकी राजनांदगांव 290 किलोमीटर, जबकि सहायक नदी है अरपा मनियारी खारून जमुनिया तांदूल। अभी एग्जाम में पूछा गया था कि शिवनाथ नदी की सहायक नदी कौन कौन सा है और क्या है, तो शिवनाथ नदी किसकी सहायक नदी है, अरपा मनियारी खारून जमुनिया तांदूल, जबकि अभी एग्जाम में डायरेक्ट पूछे गए थे कि महानदी की सहायक नदी किसे शामिल किया गया है और किसे नहीं, उसमें ऑब्जेक्टिव में अरपा दिया गया था, जबकि अरपा शिवनाथ नदी की सहायक नदी है, जबकि इब नदी शिवनाथ नदी ये सभी महानदी की सहायक नदियाँ हैं, उत्तर की ओर सहायक नदी, आपको पूरा कंप्लीट बताया मैंने है ना, इसीलिए टॉपिक लेकर पूरा पूरा आ रहा हूँ। शिवनाथ नदी, हसदेव नदी, बोराई नदी, मांड नदी, केलो नदी, इब नदी,
ये पूरा आपका महानदी की सहायक नदियां हैं जी। ठीक है, तो उद्गम मैं आपको बता चुका, हसदेव का कैमूर की पहाड़ी, बोरई का कोरबा, मांड मैनपाट, केलो लुड़ैंग की पहाड़ी, रायगढ़ खुर्जा पहाड़ी, इब नदी। ठीक है, जो इब नदी है कहाँ से निकलती है, खुर्जा पहाड़ी से। लंबाई 290 किलोमीटर, शिवनाथ का, हसदेव का 176, मांड का 155, ईब का 200 किलोमीटर 202। गज अहिरन चोरनाई तान हसदेव का, कुरकुट कोई राज आपका मांड का, राग आपका और मैना डोगी ईब का, जलधारा प्रपात अमृतधारा जलप्रपात किसमें, हसदेव में, हसदेव बांध परियोजना बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए थोड़ा सा और बचा है देख लेते हैं, देखेंगे दूध मलाज कुंडम, ये सीता आपको बताया था, ये दूध बताया था, इधर से जाती है सीता, इधर से आती है सिलियारी धमतरी तेल देव गरियाबंद सोंडूर नारियल पानी वाला बताया था, पैरी भातृगढ़ है ना पूरा, देखेंगे कोडार जोंक उड़ीसा, लात रदन की पहाड़ी, महासमुंद उद्गम, सुरंगी गोमुर्दा अभ्यारण्य। ठीक है, और अभ्यारण्य से भी पूछा गया था, बीजापुर अभ्यारण्य, पामेड़ वाला पामेर अभ्यारण। ठीक है, तो पूरा पढ़ के जाना है जी, छत्तीसगढ़ का एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। महानदी अफवाह तंत्र में जो संगम है उसको देखिएगा, चार संगम है, राजिम शिवरी नारायण चंद्रपुर और खैरागढ़। ठीक, तो एक बार याद करते चलेंगे, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। राजिम का, इसे छत्तीसगढ़ का प्रयाग भी कहा जाता है, महानदी पैरी और सोंडूर नदी का संगम है, शिवरी नारायण जांजगीर चांपा, महानदी शिवनाथ नदी और जोंक नदी, चंद्रपुर में जांजगीर चांपा या इस महानदी मांड नदी और लात नदी, खैरागढ़ राजनांदगांव ये आमनेर मुस्का और पिपरिया नदियों का संगम है जी। ठीक, पूरा का पूरा डिटेल वाइज कराऊंगा, कंटिन्यू बने रहिएगा जिसको तैयारी करना है। ठीक है, अब वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। महानदी की जो प्रमुख सहायक नदी है, दूध नदी, पैरी नदी, सोंडूर नदी, जोंक नदी है ना, तो जो सबको उद्गम याद रखना है आपको। ठीक है, पैरी आपको बताया था उत्तर से पश्चिम दिशा वाला, और सोंडूर बताया था, आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, सूखा नदी को नहीं बताया था ना, तो सूखा नदी देखिएगा, इसका उद्गम महासमुंद का तुमगांव, कोडार नदी विसर्जन, महानदी महासमुंद जिला बार बार एग्जाम में पूछता है। तो ये बलमदेही को एक बार देख लीजिएगा, बलमदेही नदी जो है इसका उद्गम बलौदा बाजार के 12 नौपारा क्षेत्र, बलौदा बाजार में ही नंदनिया निकट के महानदी में मिलती है। ठीक है, लात नदी को बता चुका, सुरंगी नदी बता दिया है, शिवनाथ नदी भी बता दिया था इसका, एक बार यहाँ से थोड़ा सा देख लीजिएगा शिवनाथ नदी की है ना, तो उत्तर दिशा की ओर मिलने वाली जो सहायक नदियाँ हैं, मुंगरा बैराज परियोजना, राजनांदगांव, आमनेर, हाप, आगर, मनियारी, अरपा एवं लीलागर, ये अभी सहायक नदियाँ हैं किसकी, शिवनाथ नदी की। ठीक है, और उद्गम याद रखना, महाराष्ट्र के गोंडरी गांव, गोडरी गढ़चिरौली जिला में प्राचीन नाम सुनी नदी, मत्स्य में और वामन पुराण में शिव नदी। ठीक, इतना याद रखना, लंबाई तो मालूम है और राज्य में प्रवेश आप सभी को बताने की आवश्यकता नहीं, पूरा मैं बता चुका हूँ है ना। और ये देखिएगा, ये दक्षिण की ओर, ये सभी उत्तर की ओर सहायक नदी है, शिवनाथ नदी की उत्तर की ओर सहायक नदी, आमनेर, हाप, आगर, मनियारी, अरपा, लीला, ये सब उत्तर की ओर है। दक्षिण की ओर खरखरा, तांदुल, खारून, जमुनिया, खारून आपका रायपुर जिले से लगा हुआ है, रायपुर और खरखरा। ठीक, शिवनाथ नदी की सहायक नदी थोड़ा देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछ सकता है, ये अभी इब नदी वाला देखे थे, तो तांदुला देखेंगे कांकेर जिला है ना, ये आपका खारून नदी 80 किलोमीटर वाला पूरा देख लीजिएगा, कूटाखाट बन जाए ऐसा ये एग्जाम में पूछा गया था इब नदी वाला। ठीक, मनियारी नदी से एग्जाम में पूछता है, देखेंगे उद्गम बिलासपुर जिला, पेंड्रा लोरमी का पठार अभी एग्जाम में पूछा गया था, मनियारी नदी का उद्गम पूछा गया था अभी है ना 2023 में, जो अभी एग्जाम हुआ है 24 में अभी एग्जाम हुआ है। छत्तीसगढ़ लंबाई इसका प्रवाह क्षेत्र मुंगेली बिलासपुर, सहायक नदी आगर छोटी, ये सब टेसुआ घोंघा, हाफ नदी आपको बताया मैंने, अरपा भी पढ़ चुके, लीला बचा था, चलिए लीला करते हैं। नदी का उद्गम है कोरबा की पहाड़ी पूर्वी, प्राचीन नाम निडली नदी, पूर्व लंबाई 135, प्रवाह क्षेत्र कोरबा बिलासपुर विसर्जन, कोरबा क्षेत्र निकल कर दक्षिण बिलासपुर जांजगीर चांपा तहसील। ठीक, हसदेव नदी मैं आपको बता चुका हूँ, चलिए आज के लिए फिर इतना ही, मांड नदी, केलो नदी देख चुके हैं, खरखरा नदी। ठीक, इतना टॉपिक किए हैं जी आज। ठीक है, इतना भी हम कर चुके हैं, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके,